गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार ये है अपनी नई महिंद्रा थार जो आपने कल के व्लॉग में देखी थी, डिलीवरी की वीडियो डाली थी जो मैंने। तो आज इसके साथ यार अपना पहला ट्रिप करेंगे। तो अभी तक से तो मैंने इसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 किलोमीटर चलाया है, वो भी सिर्फ शिमला में ही। तो इतनी परफॉर्मेंस वगैरह कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा। तो आज हम मेरे गाँव को जा रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 100 किलोमीटर है 120 किलोमीटर। तो उसमें इसकी पूरी परफॉर्मेंस और पूरा देखेंगे कि क्या एवरेज देती है। तो ये आपको बता दूँ मैं, ये डीजल मॉडल है, 4x4 मैनुअल। और यार ये अपनी अल्ट्रोस, इसको हम अलविदा करते हैं अब। है तो अपनी फैमिली में, बट मैं इसको अब कम ही चलाऊंगा, अब सिर्फ मैं इसको चलाने वाला हूँ। तो इसने भी यार अपना बहुत साथ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको मतलब बहुत ऑफ रोडिंग पर ले गया हूँ मैं। आपने देखी होंगी रील्स और वीडियोज़ वगैरह। तो अब अगर इसका बम्पर भी देखोगे ना, ये देखो पूरा नीचे, देखो कितना छिल चुका है ये, देखो और देखो कितना एब्यूज़ सहन किया है इस बेचारी गाड़ी ने। और अब इसको हम इसलिए रिटायर करते हैं ऑफ रोडिंग से, क्योंकि अपने पास अब ऑफ रोडिंग बीस्ट है। तो चलो सीधा शुरू करते हैं अपना सफ़र, देखते हैं क्या माइलेज देती है, क्योंकि डीजल है ना, तो आई थिंक 14-15 दे देना चाहिए इसको, बाकी लगेगा पता। देखो यार अभी तो जो हमने सिटी में चलाई है ना, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 11.7 दे दिया, और शिमला में पता है ट्रैफिक भी बहुत रहता है, तो अच्छी एवरेज है उस हिसाब से। तो और बाकी ये देखो कैमरा भी मैंने लगा ही लिया है, ये मतलब बहुत ज़रूरी था, तो व्लॉगिंग के काम भी आ जाता है और इमरजेंसी में भी काम आ ही जाता है। तो चलो सबसे पहले तो इसको हम चेंज करते हैं, आज की जो ट्रिप है ना उसको चेंज करते हैं। तो देखो इसको चेंज करने का क्या तरीका है, ये मेन्यू वाला बटन है, इसको करोगे तो देखो मेन्यू चेंज होगा, ये देखो ऐसे करके। तो अभी स्पीड पर है, ये टायर डायरेक्शन वगैरह है, ये वार्निंग्स वगैरह कार में क्या क्या है, देन सेटिंग्स, ये ट्रिप पे रहा अपना। तो इसको ज़ीरो कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं इसको। तो यार सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ना 800 किलोमीटर मैंने चलाई है, मेरे को एक्चुअली 750 किलोमीटर्स पे चली हुई मिली है, क्योंकि गाड़ी रिकॉन्गपियो में खड़ी थी ना, तो शिमला से रिकॉन्गपियो ये चला के ले गए गाड़ी, तो 250 किलोमीटर है। फिर रिकॉन्गपियो से शिमला वापस लाए, तो ऑलमोस्ट ऐसे करते करते इन्होंने 750 किलोमीटर चला के दिए मुझे गाड़ी। तो चलो इसको रीसेट मारते हैं। तो इसको रीसेट मारने के लिए एंटर का बटन है ना, या तो इसको दबा के रखना पड़ेगा। तो ये देखो ट्रिप पे ज़ीरो हो गई है, देन ट्रिप पे सब कुछ ज़ीरो ही है ना, अभी ट्रिप बी को भी ज़ीरो कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर, एंटर दबा के रखा 5 सेकंड के लिए, और ये देखो ये ज़ीरो हो गया। तो चलो अपनी ट्रिप हो चुकी है स्टार्ट। तो यार मैं तो भूल गया था, इसको भी ज़ीरो करना पड़ता है, जो ये आपका एवरेज वाला इकोनॉमी है ना, इसको भी वही एंटर दबा के रखो तो ज़ीरो करना पड़ता है। ये ऑलरेडी जो 11.7 दिखा रहा था, तो इसको भी मैंने ज़ीरो कर दिया है। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं आए, बस कितना 100 मीटर आए होंगे बस। तो यहाँ मैंने ज़ीरो कर दिया कसुमटी से इसको, अब देखते हैं क्या एवरेज रहती है। अभी अपने पास ना ये देखो यहाँ पे 20-30 ऑर्डर भी है, ये 20-30 सॉरी ऑर्डर नहीं, 20-30 दिन के लिए मैं घर जा रहा हूँ, तो ये ऑर्डर मेरे को वापस करने हैं, मैंने रिटर्न पे डाल से, बट बंदा आया ही नहीं आज, तो ये भी अभी वापस करना पड़ेगा। और ये देखो गाड़ी भाई पूरी भरी हुई है, देखो पूरी भरी हुई है, जितना हो सकता है उतना सामान भरा है, अभी आपको दिखते ना पूरा नीचे तक भरा हुआ है ये सारा, तो लोडेड है मतलब अपनी गाड़ी पर। चलो इससे मेरे को लगता नहीं कि एवरेज पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी पावरफुल है, तो इतनी मतलब जोर नहीं मारेगी ये इतना सामान को भी। बाकी ये सामान रखने के बाद मम्मी को भी बिठा दूंगा मैं, तो फिर बस मम्मी और मैं ही जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम लेके आ रहा हूँ घर को। लेट्स सी, ऑर्डर दे दिया, देखो सीट खाली कर दी पूरी, बंदे ऑर्डर नहीं ले थे, पर यार अपना फ़ायदा हो गया, एक अपने को ना साइरस भाई मिल गए अपने साथ, वहाँ नारकंडा वाली ट्रिप में आए थे, साइकिलिंग ट्रिप में जो स्पीति वाली की थी। तो साइरस भाई अगर आप देख रहे हो व्लॉग, तो थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द ऑर्डर्स। और अब यहाँ पे बस आ गया हूँ, मतलब मम्मी आने वाले हैं और चलते हैं फिर सीधा। तो यार अपने को टीपू भाई मिल गया है, और टीपू भाई बढ़िया। तो यार टीपू भाई मिले थे अभी पिछली बार, जब गाड़ी लेने गए थे इन्होंने तो हेल्प की थी हमारी, पर टीपू भाई अगले दिन बेचारे वापस आ गए थे गाँव, उसका राज मिल रहा है हमारे को एक हफ्ते बाद, तो इनको घुमाना था इसमें मैंने गाड़ी में, बट चलो घुमाएंगे अगली बारी। तो अभी अपडेट ये है कि हम पहुँचे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, नारकंडा पहुँचने वाले, और एवरेज देखो 13.9 मतलब 14 के आसपास दिखा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ठीक है एवरेज, क्योंकि शिमला में ट्रैफिक भी बहुत था, फिर ठोक में भी ट्रैफिक था, तो उस हिसाब से ठीक है, नहीं तो शायद 15 आनी थी। अब नीचे को तो यहाँ से उतरा ही है बहुत ज़्यादा, तो सेंस तक मेरे को लग रहा है कि 18-19 दिखा देगी, तो देखते हैं वहाँ पे क्या अपडेट है। तो यार देखो सेंस पहुँच गया सारी, जो नारकंडा से उतराई थी, जिस वजह से कि मैंने अंदाज़ा लगाया था कि अप्रॉक्सीमेटली 20 तो पहुँचनी चाहिए, 19 लगाया था मैंने अंदाज़ा, बट ये देखो अभी एवरेज हमारे को दे रही है 20.3, तो वो यार बहुत अच्छी है इस टाइम तक तो एल्ट्रोस भी, क्योंकि मेरे को याद है 25 या 26 दे देती थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही एवरेज आ गया।
कुछ इसमें। देखो अभी छठा गियर लगाया है मैंने और आरपीएम देखो 2000 से ऊपर भी जा रहा, स्लो चल रही है गाड़ी एकदम। तो यार अभी आपने देखा ना कि कैसे पिकअप वाले ने ऑल्टो को बजा दिया था। तो यार बताओ आपको क्या लगता है किसकी गलती है, आई मीन श्योर श्योर दिख रहा है कि पिकअप वाले की गलती है, बट स्टिल मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मान लो ये ऑल्टो वाले को जल्दी नहीं होती, मतलब कहाँ की जल्दी थी, 2 मिनट रुक जाता उसको मुड़ने देता तो उसकी भी गाड़ी नहीं बचती ना। तो बस इस तरीके से देखो खुद का भी टाइम वेस्ट है औरों का भी टाइम वेस्ट होता है इस तरीके से सिर्फ 2 मिनट की जल्दी के लिए। और देखो अपना नुकसान तो किया ही किया, तो चलो देखते हैं अब ये शायद आपस में सुलझाना ही पड़ेगा इनको। एक्सप्रेस काफी लगा बहुत गंदी बजी है, अब साइड में लगा रहे कर रहे हैं वापस से बात। बेचारा कंफ्यूज ही होगा। तो यार गाइस जूरी पहुंच गया है यहाँ पे, इसको रिफिल कर देते हैं। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी ना उस टाइम करा दिया था फुल, आज देखते हैं कितना आएगा इसमें। डीजल ले भैया ना यार, इसमें एक पंगा यही है कि खुद उतरना पड़ता है चाबी खोलने के लिए, अंदर से तो खुलती नहीं गाड़ी है। चलो डीजल का रेट क्या चला तो दिखा लिया, इधर थोड़ा डीजल भी महंगा है देखो 88 शिमला में 86,000 लास्ट में भरवाया था। भाई ने 2000 की भरा तेल, मना कर रहा था बोलते डीजल आ नहीं रहा तो हम फुल नहीं भरेंगे, पहले तो 1000 ही हुआ था, बड़ी मुश्किल से 2000 के लिए बोला। अब देखते हैं कितनी जगह है पेट्रोल की और चढ़ना भी इसमें टास्क है। तो हो जा भाई ऑन हो जा, ओ यार वार्न मैं सीट बेल्ट डालूंगी यार, अब क्या टायर डायरेक्शन बड़ी भारी वार्निंग चली है। हाँ हाँ भाई पता है हमारे को सर्विस ड्यू है। तो ये देखो भाई अरे फुल ही दिखा रहा है पेट्रोल वैसे तो, चलो दो ऑटो कटिंग लगा पर इतना ही भरना था इसमें। और ये देख लो यार इसको ना यही एंड करते हैं व्लॉग को, जूरी तो पहुँच ही गया ऊपर जाते हैं, फिर ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ तो एवरेज खाएगी क्योंकि, तो 18 की एवरेज आई है शिमला से। बाकी एक बार यहाँ पे भी देख लो थोड़ी स्टैटिस्टिक्स इकोसेंस, ये देखो ये थी आज की ट्रिप ना 144 किलोमीटर, तो फ्यूल इकोनॉमी 18.5, टॉप स्पीड 85 पहुँच गए थे, एवरेज पे 33 एंड बाकी सर। चलो ठीक है गुड बाय गाइस, अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।